वसंत का दिन माँ गायत्री के उसी स्वरूप को जन जन तक पहुँचाने का दिन है। उपनिषद में बोलते हैं ऋषि भूरि शिवा अयम लोक, ये वाला जो लोक है इसकी रक्षा वही करते हैं, भूलोक इसीलिए कहलाया। वह अंतरिक्ष, अंतरिक्ष की रक्षा भी वही करते हैं। स्वो असौ लोक, वो जो स्व है उसी से स्वर्ग शब्द निकल करके आया, स्वर्ग की रक्षा भी वही करती है। महामादित्य और आदित्य उस परिभ्रमण के पथ का निर्धारण करते हैं, वहाँ से माँ गायत्री की शक्ति आई। ये समय निष्प्राण हो चले समाज के अंदर गायत्री की प्राण चेतना को भरने का है, व्यक्ति को याद दिलाने का है। वैसे भी वसंत का जो अवसर है, गुरुदेव ने कहा भी दो चीज़ों का अवसर है, एक तो भावना को जगाने का है और एक बोध को याद दिलाने का है। भावना को जगाने का है, व्यक्ति की भावना जगती है तो वो गायत्री की प्राण चेतना को जन जन तक पहुँचाने का माध्यम बन पाता है, कारण बन पाता है, सोच को पहुंचा पाता है, चिंतन को पहुंचा पाता है। बस भावना जगने की आवश्यकता है, व्यक्ति की भावना हो कि हमें गुरुदेव का कार्य करना है, व्यक्ति के अंदर ये चिंतन आए कि अरे मिला है, चाहे जो हो जाए अब गुरुदेव के काम के अलावा ना कुछ करेंगे, ना सोचेंगे और ना हमारे द्वारा कुछ और होने देंगे। वो भावना जगती है, हमें जानने की आवश्यकता नहीं कि हमारे काम को कौन देखता है, हमें जानने की आवश्यकता नहीं कि उसको किसने परखा, किसने जाना, किसने पड़ताला। जो हमारे माध्यम से हो गया वो हम लोगों का सौभाग्य, और गुरुदेव के कार्य को कर पाने के यदि हम लोग निमित्त बन पाए, अधिकारी बन पाए, छोटे से उसका हिस्सा बन पाए, घटक बन पाए, तो सौभाग्य हमारा है। प्रेजेंटिंग शांति कुंज वीडियो ऐप अवेलेबल एट गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड इट नाउ। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।